हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसको कि कल के लिए हम लोग इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ बीच में मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, गैप डाउन या गैप अप होने पर कैसे ट्रेड करना है, उन सभी चीजों को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर जो है आप इजिली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक अंबुजा सीमेंट, आज के लिए भी हम लोगों ने इस स्टॉक को आपको शॉर्ट करने के लिए रखा था और यहाँ पे हम लोगों का लेवल था 367 के नीचे, हम लोग इसको शॉर्ट करने वाले थे बट आज मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे अंबुजा सीमेंट भी एक अच्छा गैप डाउन आपको ओपन हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस एक रेंज में ट्रेड किया और फाइनली आपको यहाँ कहीं जो है एक अच्छा ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 6 रुपीज का एक अच्छा मूवमेंट दिया लास्ट के टाइम में। तो मैं आपको कंटिन्यू बोलता हूं, कभी भी अगर गैप अप या गैप डाउन होता है स्टॉक तो वहां पे आपको इमीडिएट एंट्री नहीं करना है, आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है और यहां पे देखिए एक अच्छा प्राइस एक्शन बिल्डअप होते होते आपको फाइनली लास्ट के आवर में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेक डाउन हुआ। तो इसलिए जो है आपको अगली बार से कभी भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में या आपके फेवर में ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फिर वहां पे आपको वेट करना ही बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली यहां पे एंटर करते तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, यहां पे अगर आप एंटर करेंगे तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस जो है कुछ इस लेवल पे रहेगा। तो यहां पे स्टॉप लॉस 2 से 3 रुपए का था, टारगेट आपका यहां पे 4 से 5 रुपीज का इजीली आपको मिला। इसलिए आने वाले दिनों में और आगे कभी भी अगर एक अच्छा रेंज बने तो उस रेंज पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब कल भी हम लोग इस स्टॉक को आपको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है। लास्ट के एनालिसिस वीडियो में भी मैंने आपको डिस्कशन में बताया था यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है और आज भी देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद एक अच्छा नेगेटिव कैंडल बना है। नीचे में अगर सपोर्ट देखेंगे तो 350 345 इस लेवल तक, इस लेवल पे आपको सपोर्ट है, तो इसलिए उस लेवल तक जो है आपको ये स्टॉक नीचे की ओर जा सकता है। लेकिन इस स्टॉक को शॉर्ट करने से पहले आपको वेट करना होगा, यहाँ इस रेंज में एक बार के लिए पुल बैक हो सकता है, क्योंकि अगर आप लास्ट के आवर का मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक नहीं आया है। एक बार के लिए ये पुल बैक लेगा, उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो ही यहाँ पे आपको शॉर्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो 359 358 इस रेंज में कहीं पे हम लोग शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस 361 का रहेगा, 3 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हम लोगों का 5 से 6 रुपीज का होना चाहिए। सेकेंड स्टॉक की बात करें यूपीएल, यूपीएल भी आज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए रखा था। ये अपने ट्रेडिंग प्राइस के राउंड जो है आपको ओपन हुआ 750 के राउंड, 750 के नीचे हम लोग शॉर्ट करने वाले थे बट यहाँ पे समवेयर अराउंड आपको 747 के राउंड यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद आपको एक अच्छा पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद स्लो एंड स्टडी ये नीचे की साइड एक बहुत ही अच्छा आज मोमेंटम दिया, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा जिन लोगों ने भी आपको लास्ट एनालिसिस वीडियो देख के यहाँ पे ट्रेड किया होगा। तो यहाँ पे जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आज हम लोगों को मिला था, थोड़ा सा अगर वेट कर लेते और बेटर प्राइस मिलता, लेकिन ओपनिंग प्राइस पे भी जितने भी लोगों ने यहाँ पे आपको एंट्री किया होगा उनको एक अच्छा यहाँ पे टारगेट मिला होगा, क्योंकि ये अपने एंट्री प्राइस से ज्यादा नीचे ओपन नहीं हुआ था और फर्स्ट मिनट में ही एक अच्छा पुल बैक भी दिया था उस लेवल तक। तो यहाँ पे जो है एक अच्छा टारगेट आज देखने को मिला। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, डेली चार्ट में देखेंगे बहुत ही अच्छे लेवल 750 का लेवल आपको यहाँ पे 3 से 4 मंथ के बाद आपको ये लेवल ब्रेक हुआ है। नीचे में सपोर्ट आपको यहाँ पे 700 695 का जोन जो है यहाँ पे आपको एक स्विंग सपोर्ट है, तो इस लेवल तक ये स्टॉक आपको जा सकता है। तो हम लोग कल इसको शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, लेकिन 5 मिनट के जब चार्ट में हम लोग यहाँ पे आपको आते हैं तो यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, लास्ट के समय में जो आपको फॉल हुआ है 736 से, ये फॉल आपको वन साइडेड फॉल हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी पुल बैक नहीं हुआ है। तो अगर कल यहाँ पे पुल बैक आता है 730 735 के जोन में तभी आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, नहीं तो फिर आपको आज के जैसे ही यहाँ पे वेट करना होगा एक अच्छा प्राइस एक्शन बनने का, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आपको
शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली कहीं पे भी आपको स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है अगर आप 730 के ऊपर भी रख के शॉर्ट करेंगे, तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ऑलमोस्ट आपको 12 टू 13 पॉइंट का यहां से स्टॉप लॉस है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस सही नहीं रहता। हम लोग वेट करेंगे, एक पुल बैक आएगा, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा कभी भी कंटिन्यूस फॉल नहीं होता है, पुल बैक आने के बाद ही फॉल होता है। हम लोग वेट करेंगे इस लेग का, एक पुल बैक आने के बाद हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। 730 से 735 के जोन में कहीं पे भी हम लोगों को एक निगेटिव सिनेरियो दिखता है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 6 to 7 रुपीज का होगा, टारगेट जो है हम लोगों का 10 to 12 पॉइंट का होना चाहिए। थर्ड स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक भी आज बहुत अच्छा यहाँ पे भी प्रॉफिट हम लोगों को मिला, क्योंकि हम लोगों के जो आपको यहाँ पे शॉर्ट जोन था 1820-1824 इस लेवल के राउंड जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने वाले थे, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करने वाले थे। फर्स्ट कैंडल में ही एक अच्छा आपको पुल बैक यहाँ पे दिया, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों ने आपको शॉर्ट नहीं किया होगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन खुलता है और उसके बाद अगर फर्स्ट कैंडल में ही पुल बैक करता है, तो मैक्सिमम लोग वहां पे शॉर्ट करने के लिए देखते हैं। तो इसलिए अगर आप यहां पे शॉर्ट करते आज के मार्केट कंडीशन में, तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलता। फिर भी अगर यहां पे जितने भी लोगों ने शॉर्ट नहीं किया होगा इस लेवल के अराउंड, अगर यहां पे जो एक रेंज बना, रेंज के बाद आपको एक ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद भी इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का यहां पे एक अच्छा मूवमेंट दिया, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। अगर आप लोगों ने एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, लास्ट एनालिसिस वीडियो को, तो आज आपको यहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जरूर मिला होगा। डेली चार्ट में हम लोग फिर से इस स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। रीजन है यहां पे, इसने एक अच्छे रेंज को ब्रेक किया है, 1800 के लेवल को जो है इसने ब्रेक कर दिया है, और एक अच्छा जो है आपको 1750 के नीचे क्लोजिंग दिया है। नेक्स्ट सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इस समय अराउंड आपको 1705-1700 ये लेवल है, तो यहाँ पे जो है स्टॉक नीचे की ओर एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। हम लोग इस स्टॉक को आपको कल दो तरीके से यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जो आप इसको दो टाइप से शॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ये रेंज को ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है, 1740 के नीचे निकलता है, 1750 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, अगर ये फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल के नीचे निकलता है। लेकिन सपोज अगर मार्केट कल ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो हम लोगों को वेट करना है 1770-1780 इस जोन में आपको इस स्टॉक को एक रेसिस्टेंस फेस हो सकता है, और उसके बाद अगर यहां से ये डाउनवर्ड का साइन या कुछ भी निगेटिव साइन शो करता है, हम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1780 के ऊपर का रहेगा, टारगेट जो है यहाँ पे 1:2 का होना चाहिए। थर्ड स्टॉक है आपको यहाँ पे इंडसइंड बैंक। आज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बाई करने के लिए रखा था, हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, क्योंकि लास्ट के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, बट ये ब्रेकआउट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब जितने भी लोगों ने इस ब्रेकआउट पे आपको यहाँ पे बाई किया होगा, वो सभी लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको होगा ये स्विंग लो। तो यहाँ पे जो है इस स्विंग लो तक कल आपको ये स्टॉक जा सकता है, हम लोग यहाँ पे आपको शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। इस स्टॉक ने एक अच्छे रेंज बनाया था आज पूरे टाइम, और फिर लास्ट में उस रेंज को ब्रेक किया है। बस हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा सा अगर पुल बैक आता है इस रेंज तक, 945 के रेंज तक पुल बैक आता है, उसके बाद अगर आपको ये स्टॉक नेगेटिव साइन शो करता है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस जो है 9 to 10 पॉइंट का होगा, टारगेट जो है यहाँ पे हम लोगों का 15 to 20 पॉइंट का होना चाहिए। फोर्थ स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा के डेली चार्ट में बहुत ही अच्छा ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस लेवल पे अगर देखेंगे तो बहुत समय के बाद जो है आपको यहाँ पे एक रेंज बनाया था, रेंज के बाद आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रेंज ब्रेकडाउन हो चुका था। आज भी एक अच्छा यहाँ पे आपको नीचे की साइड मोमेंटम हुआ है, ऊपर के लेवल से क्लियरली सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग आपको हो सकता है। और इस पर्टिकुलर लेग का जो 800 से 900 का आपको मूवमेंट था, यहाँ पे आपको इसका पुल बैक भी हो सकता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है कल आपको यहाँ पे एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हम लोग इस स्टॉक को भी शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 870 to 875 के जोन में,
क्योंकि इस जोन में जो है आपको इससे पहले सपोर्ट लिया है और आज लास्ट में इसी जोन को आपको ब्रेक किया है, तो कल इस जोन को आपको एक बार के लिए टेस्ट करने के लिए जरूर पुल बैक ले सकता है। पुल बैक लेने का वेट करेंगे, 870 के जोन में हम लोग शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस 875-876 का होगा, टारगेट जो है नीचे की साइड हम लोगों का 860-855 तक का टारगेट हो सकता है। और लास्ट स्टॉक है हिंडालको, हिंडालको के स्टॉक में भी जो है आपको यहाँ पे एक अच्छा नीचे की साइड मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन आपको 550 के लेवल पे हुआ है, तो एक बार के लिए स्टॉक पुल बैक ले सकता है 500 तक, फिर आपको ये ऊपर की ओर अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। तो हम लोग 5 मिनट के चार्ट में इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी शॉर्ट करने के लिए ही देखेंगे। यहाँ पे भी जो है हम लोग वेट करेंगे, एक 525 तक का पुल बैक होना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस 530 का रहेगा, टारगेट हम लोगों का 510 का टारगेट होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।